क्या सोलो ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा हमें अपने पहले सोलो ट्रिप के लिए, क्या फीमेल ट्रैवलर के लिए भी सोलो ट्रैवलिंग उतना ही सेफ है जितना मेल ट्रैवलर के लिए है। आज मैं आपको ये सब सवालों का जवाब अपने इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 5 पॉइंट शेयर करूँगा और एक बोनस पॉइंट लास्ट में, तो ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और पसंद आए तो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राकेश शेट्टी और आप देख रहे हैं द एंडलेस मॉन्क चैनल। सोलो ट्रिप में डर जरूर लगता है। जो कहते हैं डर नहीं लगता, वो पहले ट्रिप में, जो पहले सोलो ट्रिप कर रहा है उसको डर जरूर लगेगा। मुझे भी लगा था। मैं अपना पहला सोलो ट्रिप केरला में किया था। जाने से पहले बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि तू कैसे जाएगा, कैसा रहेगा, वो एक डर मन में ज़रूर रहता है। लेकिन मैंने वो डर को थोड़ा सा नीचे करके जैसे मैंने प्लानिंग किया, उसको अगर आप भी वैसे अप्लाई करोगे तो आपके लिए भी वैसे ईजी हो जाएगा। जाने के बाद आप वापस आओगे तो आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम भी सोलो ट्रैवलिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट, रिसर्च एंड प्लानिंग। सोलो ट्रिप शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिसर्च एंड प्लानिंग। रिसर्च एंड प्लानिंग करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पहला सोलो ट्रिप है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का एक अच्छे से रिसर्च प्लान करो। हर दिन के हिसाब से आप अपना प्लान करो। आप कितने दिन के लिए जा रहे हो वैसे आप डिसाइड करो, फिर अपने हर डे का प्लान करो। जहाँ जा रहे हो वहाँ पर रहने के लिए आप क्या कौन से हॉस्टल या होटल आप बुक करोगे, या आपको पहले प्री बुकिंग करना होगा, क्या एडवांस मुझे पे करना होगा या फिर मैं वहाँ पर जाके पे कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए क्या क्या अवेलेबल है, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहाँ पर मैं जाऊँगा तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या मुझे सर्द जगह में जा रहा हूँ तो सिर्फ ठंडी के लिए स्वेटर या जैकेट मुझे कैरी करना होगा, या गर्म जगह में जा रहा हूँ तो मुझे वैसे कपड़े कैरी करना होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ जाने से पहले आप जहाँ जा रहे हो जिस स्टेट के लिए या कंट्री के लिए, वहाँ पर अपने मोबाइल में ऑफलाइन मैप डाउनलोड ज़रूर कर देना। ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं है तो आपका मैप फिर भी चालू रहेगा GPS के थ्रू, तो वो बंद नहीं पड़ेगा, तो आपको अपने लोकेशन ट्रैक करने के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये सब रिसर्च एंड प्लान ज़रूर करना अपने ट्रिप शुरू करने से पहले। सब कुछ लिखना ज़रूरी है, लिख के करो या फिर अपने आपकी मेमोरी अच्छी हो तो आप ठीक है, लेकिन मैं लिख के करता हूँ अपने नोटपैड में या फिर PC में रख के वो प्लान वैसे करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं ऐसा ट्राई करता हूँ हमेशा, और मैंने केरला में भी मैं जाते समय मैंने किया था, एक दिन का बफर आप ज़रूर पकड़िए। मतलब आपने 7 दिन के लिए प्लान किया है तो आप एक एक्स्ट्रा एक दिन बफर रखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप जहाँ जा रहे हो कभी बारिश गिरी, कभी स्नोफॉल हुआ, तो आपका दिन एक दिन वेस्ट हो सकता है। या तो आपको वो जगह बहुत अच्छा लगा तो आपको एक दिन और स्पेंड करने मन किया, तो ताकि आपका प्लान बिगड़े ना, तो आप चाहे तो एक दिन बफर ऐड कर सकते अपने इस ट्रिप के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, लगेज। लगेज हम कितना कैरी करें अपने ट्रिप के लिए। मेरे मानोगे तो दोस्तों, आप अपने लगेज को जितना कम हो सकते हो उतना कैरी करना, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, ठीक है, आपको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यूज़ करना होगा, आपका बैग को आपको कैरी करना होगा एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए। आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हो, से सपोज़ आप बस को यूज़ कर रहे हो, तो आप जानते हो बस को पकड़ने के लिए कभी कभार हमें भागना पड़ता है। तो अगर आपके पास ट्रॉली बैग होगा और जो कि बहुत वेट होगा उसमें, तो आपको कैरी करके भागना होगा बस के पीछे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास रक्सैक बैग और बैकपैक बैग जो शोल्डर में कैरी कर सकते हो वैसा बैग होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने शोल्डर पर कैरी करके इजीली भाग सकते हो या फिर यहाँ से वहाँ जा सकते हो। तो जितना कम हो सके उतना बैग का लोड कैरी करना, और रक्सैक या बैकपैक उसको यूज़ करना। तो थर्ड पॉइंट है बजट। बजट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने ट्रिप प्लान करने के लिए। आप जितने दिन के लिए जा रहे हो आप भी अपने दिमाग में हर दिन के लिए बजट वैसे प्लान करके जाओ। ऑब्वियसली आप ट्रिप शुरू करोगे तो कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होगा, तो वैसे बजट आप कैरी करना। जैसे डे प्लान के लिए मैंने आपको बोला था कि एक दिन बफर करें, वैसे ही आप अपने कुछ अमाउंट्स अपने बजट में ऐड करके ही चलना, क्योंकि कभी कभार आप जब प्लान करते हो तो 2 महीने पहले प्लान किया है
तो उसके बाद 2 महीने के बाद आप ट्रिप शुरू करते हो तो कुछ बजट बढ़ सकता है, ताकि हॉस्टल का जो रेट हो सकता है वो बढ़ सकता है, वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो रेट बढ़ सकता है, तो आप अपने साथ बजट में एक एक्स्ट्रा बफर में मनी ऐड कर देना। हर दिन का एक बजट फिक्स कर देना, क्योंकि वैसे आपको प्लान करने ईजी पड़ेगा, ट्रिप को शुरू करने में भी ईजी पड़ता है। बजट मोस्टली 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, अकोमोडेशन, फूड और ट्रैवल कॉस्ट। अकोमोडेशन के लिए अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आप फीमेल हो या मेल ट्रैवलर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अकोमोडेशन के लिए आप अगर बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बजट में आपको, आप सोलो हो वैसे भी सोलो, तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर सोलो ट्रैवलर। आप अपने रिसर्च कर देना वहाँ पर, रिसर्च करना जाने से पहले कि कौन से हॉस्टल अवेलेबल है, वहाँ पर के रिव्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर 200 से 300 रुपीज़ में भी आपको अच्छा हॉस्टल मिल सकता है, डॉर्मेटरी हॉस्टल मिल सकता है विथ फ्री वाईफाई, और क्या चाहिए, है ना। तो आप अकोमोडेशन के लिए आप उस सिटीज़ में क्या क्या हॉस्टल अवेलेबल है तो वैसे प्लान करना। सेकेंड है फूड। ग्रुप में घूमने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, तो हम एक ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, ठीक है। अब इस बार आप अकेले हो, ठीक है, आप जो भी ऑर्डर करोगे आपको अकेले को खाना है, तो वैसे ऑर्डर करना कि आप वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इतने ज़्यादा क्वांटिटी पे ऑर्डर मत करना जो कि आप ग्रुप पे ऑर्डर करते थे, क्योंकि हम ग्रुप पे डिवाइड करके खा लेते थे, लेकिन अब आप सोलो हो तो आपको वैसे ऑर्डर नहीं करना चाहिए। लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, होम स्टे फूड बहुत सस्ता होता है। अगर होम स्टे में रहते हो तो आपको एक फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ के लोकल फूड ट्राई करने के लिए मौका मिल जाता है। और ट्रैवल कॉस्ट में आपको इसमें आता है इंटरसिटी, और अगर आप जा रहे हो तो उसमें आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप हिच हाइक कर सकते हो। हिच हाइकिंग एक ज़रिया है जहाँ पर हम फ्री में यहाँ से वहाँ जा सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन आपको बात करने में मिलता है उधर के लोकल से भी, और एक नया एडवेंचरस भी मिल जाता है। तो या फिर सबसे बेस्ट है, अगर आपको कम और सस्ते में ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना है, तो वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सब वहाँ पर जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर सस्ता ही होता है। वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे, मैं केरला गया था वहाँ पर मैंने बस से ट्रैवल किया हुआ है, हिचहाइक भी किया है और बस से भी ट्रैवल किया है। और अगर आप मेरा सुनोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट केरला के एकदम ऑसम है, तो वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस से ट्रैवल कर सकते हो, ऑटो से ट्रैवल कर सकते हो, या तो मेरी तरह हिचहाइक भी कर सकते हैं। 4th पॉइंट है, और मेरा ये फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, कनेक्ट विथ लोकल पीपल। देखो, आप जब फर्स्ट ट्रिप करोगे ना तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आपको बोर हो जाएगा, वहाँ जाओगे अकेला रहोगे बोर होगा, लेकिन मुझे भी बोला गया था और मैं भी मानता था कि मुझे भी शायद बोर हो सकता है, क्योंकि मैं इससे पहले फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही घूमता था, सोलो ट्रिप कभी किया नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि सोलो ट्रिप करने से पहले कि बोर होने वाला है, हाँ अकेलापन फील होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मैंने अपने 8 दिन के ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे कभी भी लोनलीनेस फील किया नहीं। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पर के लोकल लोगों से जुड़ा रहा, और वहाँ के कुछ जो मेरी तरह ट्रैवलर्स थे वहाँ के, उनके साथ मैं कनेक्टेड था। मतलब अगर आप वहाँ जाते हो, हॉस्टल में जाते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स रहते, फीमेल ट्रैवलर्स रहते हैं, सोलो ट्रैवल्स में फीमेल ट्रैवलर रहते हैं और मेल ट्रैवलर रहते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो वहाँ पर, और उनके साथ घूमने भी निकल सकते हो, जैसे कि मैं भी निकला था। कोई भी स्टेट या सिटीज़ की जानकारी सबसे ज़्यादा वहाँ के लोकल लोगों के पास होता है, तो वहाँ के लोकल लोगों से आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेसेस है, ये जगह में आप जा सकते हो। मैं सच में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आप दुनिया में जहाँ भी जाओगे, वहाँ के अगर कोई भी लोगों से आप मिलोगे या बात करोगे, तो उनमें एक तरह का हेल्पफुल नेचर, वेलकमिंग नेचर आपको देखने मिलेगा, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि ये अकेला घूमने आया है तो इसको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने हिसाब से वेलकम करेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके लोनलीनेस और ये तो बिल्कुल नहीं होगा फील, अगर आप लोगों से जुड़े रहे, वहाँ के ट्रैवलर से जुड़े रहे, वहाँ उनके एक्सपीरियंस को जानने लगे, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कनेक्ट विथ लोकल पीपल। 5वां पॉइंट है बी फिट एंड बी हेल्दी। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो आपका ध्यान आप ही खुद ही रखोगे, तो आप ट्रिप करने से पहले आप अपने को तैयार करो, हेल्थ के साथ साथ अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ट्रिप शुरू करने से पहले। से सपोज़ आपको वहाँ जाना है, आपका पहला दिन ही आप ट्रक करने का आपने प्लान किया है, ठीक है, और आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते नहीं हो, ना जिम जाते हो, ना फिट रहते हो, ना माइंड सेट वैसे बना हुआ है, और बहुत दिनों के बाद आप ट्रैक कर रहे हो, आप पहले दिन आप अच्छे से ट्रैक कर लोगे, लेकिन दूसरे दिन आपको वो ट्रैक का असर आपके हेल्थ पे ज़रूर दिखने लगेगा, आपका लेग पेन करने लगेगा, शोल्डर पेन करने लगा, तो आपका एक दिन वेस्ट हो सकता है। तो उस वो अवॉइड करने के लिए
ट्रिप करने शुरू करने से पहले माइंडसेट और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी करो, कुछ एक्टिविटी आपका आगे जाके ट्रिप में है तो वैसा है, थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करो। वहाँ पर ट्रिप शुरू करने के बाद आप वहाँ का हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पर अपने स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते, वहाँ नहीं गए तो वहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ ज़रूर देखना कि वो कौन से तेल में बना है, कौन से पानी में बन रहा है, वो क्या क्लीन है वहाँ पर, हाइजेनिक वहाँ पर हाइजेनिक है या नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके वहाँ पर खाना करना। अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो यकीन मानो कि आपका ट्रिप पूरा खराब हो सकता है, आपने जो भी प्लान किया पूरा वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आप अपना हेल्थ का ध्यान वहाँ पर खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखना, तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में सेट कर दीजिए, माइंड को हेल्दी और बॉडी को हेल्दी करना इम्पोर्टेंट है। ये 5 पॉइंट थे जो कि आपके ट्रिप को ईजी कर सकता है। आपका अगर आपका फर्स्ट सोलो ट्रिप है तो ये आपको बहुत ईजी बना सकता है अगर आप इसको फॉलो किए अच्छे से। और एक लास्ट में जो बोनस टिप की बात कर रहा था वो है सिक्योरिटी रिलेटेड। सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा, आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आपका पहला सोलो ट्रिप है तो आपको वो एक चीज़ मन में डर रहेगा कि मुझे कुछ ना हो, आप अच्छे से आपका ट्रिप कंप्लीट करके आप वापस आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी फैमिली को, आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वो हर दिन आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी। सेकंड चीज़ उस सिक्योरिटी में आ जाता है कि आप अपने पास जितना हो सकते हो कार्ड का यूज़ करना, कैश कम कैरी करना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप जा रहे हो जैसे कि स्पीति वैली हो या फिर कोई लद्दाख का कोई एरिया हो जहाँ पर कार्ड बहुत कम यूज़ करते हैं या पेटीएम या गूगल पे का बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आपको कैश लेना पड़ सकता है। तो आप उस टाइम पर आप ऐसे कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो, आप अपने हॉस्टल में अगर थोड़ा सा बैग रखे हो, वापस आने वाले हो, तो बैग में आपका हॉस्टल में थोड़े से पैसे और अपने पास थोड़े से पैसे रख के कैरी कर सकते हो। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए भी अप्लाई होता है। और एक पॉइंट है अवॉइड लेट नाइट ट्रैवलिंग, ये दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल ट्रैवलर के लिए भी। आप जिधर भी जा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लेट नाइट ट्रैवलिंग करना, लेकिन अगर कोई रात को अगर सुनसान में आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो कि आप पहला छोलो ट्रिप पे अवॉइड करना अपने नाइट ट्रैवलिंग को। और एक चीज़ हो सकता है सिक्योरिटी के लिए, अगर आप जाने से पहले आप जिधर जा रहे हो वहाँ पर आप गूगल सर्च कर सकते हो वहाँ का टूरिस्ट कैंप, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या टाइप के टूरिस्ट कैंप हो सकते हो, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही माइंड में वो सेट करके जा सकते हो कि आप कैसे आप टूरिस्ट कैंप से बच सकते हो। अपने इंडिया से भी फीमेल ट्रैवलर्स बहुत है, सोलो ट्रैवलिंग करने वाले बहुत है। मैं केरला गया था वहाँ पर भी बहुत लोग मुझे मिले, वहाँ पर फीमेल ट्रैवलर्स थे, उनके एक्सपीरियंस भी मैंने देखा। उनको मैंने पूछा, सबसे पहला वही होता है कि डर नहीं लगता क्या, तो उन्होंने बोला कि डर नहीं लगता, अगर अपना ही देश है तो डर नहीं लगता। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आपका यह पहला सोलो ट्रिप है तो अपने देश से ही शुरू करना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कहीं जाने के लिए। नेक्स्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो फिर वैसे उस कॉन्फिडेंस को लेके दूसरे कंट्रीज के लिए सोलो ट्रिप के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो पहले सोलो ट्रिप के लिए आपको यूजफुल होगा, अगर आप इसको सब फॉलो करोगे तो आपको इजी होगा। मैं आपको ये अभी भी बोलता हूँ, सोलो ट्रिप डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, डरना ठीक है बट उस डर के आगे बहुत अच्छा जीत है। आप जब वापस आओगे तो आपको और मन करेगा अपने सोलो ट्रिप करने के लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सोलो ट्रिप कर सकते हो, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। अपनी कंट्री सेफ है पहले वहाँ से शुरू करना, ट्रिप शुरू करने से पहले ये सब 5 पॉइंट्स को और अपने बोनस पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान में रख के अपना ट्रिप प्लान करना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपना पहला सोलो ट्रैवलिंग कहाँ से शुरू करने वाले, कौन से सिटी, कौन से स्टेट और कौन से कंट्री से शुरू करने वाले, या आप अपने सोलो ट्रिप कंप्लीट कर चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताना कि आपने अपना पहला सोलो ट्रिप कहाँ से शुरू किया है। जाने से पहले भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक एंड शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप अपना पहला सोलो ट्रिप कहाँ से शुरू करने वाले। कीप ट्रैवलिंग, बी सेफ, अलविदा।